वेलकम फ्रेंड, पार्ट 24 में आपका स्वागत है। और देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक एपी है और उस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 6 है और मुझे एन इज इक्वल टू 13 की वैल्यू दी हुई है और सम ऑफ 13 मुझे ढूंढना पड़ेगा। इसके पहले मुझे ए 13 भी ढूंढना पड़ेगा, तभी तो मैं सम ढूंढ पाऊंगा। तो चलिए पहले ए 13 ढूंढ लेते हैं। ए 13 इज इक्वल टू ए प्लस 12 डी, राइट। ए 13 इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस 6 प्लस 12 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस ये हो जाएगा 12 6 जा 72, 72 में से 6 गया तो 64 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 64 ही हो जाएगा। तो ये ए 13 आ गया मेरा 64 में 6 ऐड कीजिए आप, कितना हो रहा है, 66 होगा शायद। हाँ, राइट 66 होगा। ओके फाइन, तो ए 13 कितना हो गया, 66 हो गया। अब सम ऑफ 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई 2 ए प्लस एल। एल कितना था हमारा, 66। तो सम ऑफ 13 इज इक्वल टू 13 बाई 2 ए हमारा माइनस 6 प्लस 66। सम ऑफ 13 इज इक्वल टू 13 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 30 हो गया। एस ऑफ 13 इज इक्वल टू 13 थ्री जा 39 इंटू 12 ये हो गया 390। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी आसान क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। घबराना नहीं है, एपी है वो काफ़ी आसान है, आप उनको बार बार देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। मिलते हैं पार्ट 25 के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।